सलमान फायरिंग केस, लॉरेंस के भाई का वॉइस सैंपल मैच आरोपियों को फोन पर इंस्ट्रक्शन दे रहा था। मुंबई क्राइम ब्रांच ने कंफर्म किया, सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग के लिए गैंगस्टर लॉरेंस का भाई अनमोल हमलावरों को इंस्ट्रक्शन दे रहा था। पकड़े गए दोनों हमलावरों के मोबाइल से मिली ऑडियो रिकॉर्डिंग की पुलिस ने फॉरेंसिक जांच कराई। मुंबई पुलिस ने सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से अनमोल के ऑडियो सैंपल लिए और आरोपियों के मोबाइल में मिले ऑडियो को फॉरेंसिक लैब भेजा था। यह सैंपल मैच हो गया है। सलमान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर 14 अप्रैल को सुबह 5 बजे दो हमलावरों ने फायरिंग की थी। फायरिंग करने के दो दिन बाद मुंबई क्राइम ब्रांच ने गुजरात से आरोपी विक्की गुप्ता और सागर पाल को गिरफ्तार किया था। लॉरेंस ग्रुप ने ली थी हमले की जिम्मेदारी। मुंबई पुलिस के सूत्रों के मुताबिक 14 अप्रैल को सलमान के घर पर दो बाइक सवार हमलावरों ने 7.6 बोर की बंदूक से 4 राउंड फायर किए थे। फॉरेंसिक एक्सपर्ट को मौके से एक लाइव बुलेट मिली थी। इस हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस ग्रुप ने ली थी। पुलिस ने मामले की जाँच करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इन सभी आरोपियों मकोका की धाराएं लगाई गई थी। मामले में गिरफ्तार हुए एक आरोपी अनुज थापन ने पुलिस कस्टडी में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। अनुज ने इस मामले में फायरिंग करने वालों को हथियार मुहैया करवाए थे। आरोपी अनुज थापन के सुसाइड की जाँच राज्य की CID को सौंपी गई। घटना के 2 महीने बाद पुलिस ने लिया सलमान का बयान। इस घटना के 2 महीने बाद हाल ही में मुंबई पुलिस ने सलमान खान और उनके दोनों भाइयों सोहेल और अरबाज का बयान दर्ज किया।